एक बुजुर्ग माता का निशान लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कोई भक्त हैं, इनसे बात करनी चाहिए। मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ से आए हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं? बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से। कितना दिन हो गया निकले हुए? 3 महीना हो गया। मैं रुकता हूँ, आप रुको, मुझे बात करनी है आपसे। आपको हम अपनी गाड़ी में छोड़ दें? नहीं जी। अभी आपको कितना दिन लगेगा कटरा पहुंचने में? तीन दिन लगेंगे। हम आपको 1 घंटे में पहुंचा देंगे। नहीं भाई साहब, मैं पैदल ही जाऊंगा। आपको 30 दिन हो गए आते हुए, अभी 3 दिन और लगेंगे जी। थोड़ा साइड पे आओ, थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे। थोड़ा साइड पे आ जाओ। ऐसी चीजें जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस बुजुर्ग को देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इनके हाथ में ये माता का निशान देखा, ये झंडा मैंने देखा, मैं रुक गया। मुझे समझने में भी देर नहीं लगी कि ये कोई यात्रु हैं। जब मैंने इनसे बात की, मैं और ज़्यादा हैरान हो गया। इतनी श्रद्धा, आप यकीन नहीं करोगे, इस बुजुर्ग को अपने घर से निकले हुए 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से पैदल चल रहा है, माँ वैष्णो के दर्शन के लिए जाना है। इस वक्त जहाँ ये पहुँचे हैं, ये है बठिंडी। अब यहाँ से इनको कटरा जाने के लिए कह रहे हैं 3 दिन और लगेंगे। हमने इस बुजुर्ग से कहा, हम आपको गाड़ी में कहीं छोड़ दें आगे तक? बोलते हैं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनसुखलाल। मनसुखलाल जी। मनसुखलाल जी, कहाँ से आए हो? मैं एमपी। एमपी से? हाँ। पैदल आ रहे हो वहाँ से यहाँ तक? पैदल हूँ मैं। कितना दिन हो गया वहाँ निकले हुए? 3 महीना हो गया घर से निकले हुए। घर से निकले 3 महीना हो गया। जाना कहाँ है? माता वैष्णो देवी से। अभी आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से कितना वक्त लगेगा? और 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन पैदल जी। कितना चलते हो रोज का? ऐसा है, कब 20 हो जाए, 25 हो जाए, कब वही में 15 ही रह जावे। खाना खाते हो? खाना खाते हैं। कोई देता है या खुद? कैसे खाते हो खाना? खाना बनाते हैं या नहीं है बना वो पाओ तो कहीं मंदिर पर मिल जाता है ना तो। हाँ ना तो बनाते हैं। बनाते कैसे हो? आपके पास तो चूल्हा वगैरह है नहीं कुछ? नहीं, लकड़ी बीन ली। लकड़ी बीनी, लकड़ी में आग लगा के आंगन भाए है। तो आपके पास वो है बर्तन? नहीं, थाली भर है। थाली है? तो बनाते कैसे हो? आटा गींज लो। हाँ। आटा गींज के आटा रखा हुआ है? आटा ले लिए थे। ले लेते हो? हाँ। तो बस बना बनू के आंगन पर रख दे, सिक जाती है। तो कहीं और भी मिल जाता होगा? धार्मिक स्थानों से मिलता है? कहूँ हाँ, मंदिर पर कहीं मिल जाता, कहूँ गुरुद्वारे में मिल जाता है। ऐसे मिल जाता है जी। हम आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दें आगे तक? नहीं साहब, कटरा तक छोड़ देंगे। नहीं भाई साहब। क्यों नहीं? मैं पैदल ही जाऊंगा। 3 दिन का सफर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा? बहुत ठीक है, आप तेरा मैं नहीं मानता, मुझे तो पैदल ही जाना है। पैदल ही जाना है जी। पहली बार जा रहे हो? नहीं, मेरा तो हो गया बहुत सा चक्कर, 33वां चक्कर है। 33वां आइए जी। हर बार पैदल आते हो? हाँ, हर बार पैदल आता हूँ। घर में कौन कौन है? सब हैं, घरेनी है, 2 बाल बच्चे हैं, नाती नता हैं, बहुएं हैं, सब हैं। वो चिंता नहीं करते? फोन है आपके? हाँ, पास फोन है, बात होती है फोन पे। हाँ। रात को सोते कहाँ पे हो? मंदिर में। तो अगर रास्ते में मंदिर नहीं मिलेगा फिर? फिर ना मिलेगा सर, तो जो सड़क तो है, सड़क पे पड़ रहे। हम आपकी क्या मदद करें? कुछ चाहिए आपको? कुछ पैसे चाहिए? दे दो तो ठीक है, पैसा दे देंगे हम आपको। हम आपको अभी, मैं अभी गाड़ी से पैसे देता हूँ आपको जी। तो क्या करते हो पैसे का? बस आटा ले लेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, कहूँ नहीं बना पाओ तो खाना खा लेंगे। तो अगर हम आपको गाड़ी में छोड़ेंगे तो 3 दिन आसान हो जाएगा आपका? नहीं भाई साहब, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, पैदल ही जाऊँगा, हर बार पैदल जाता हूँ मैं। हर बार पैदल जाता? हाँ, 33वां चक्कर है, जो 15 साल हो गए। पहला जब क्या काम करते हो आप?
हम निकलते 15 साल से अब निकलते काम नहीं करते, नहीं मोड़ी मोड़ा कहते हैं वो, करते हैं सेवा करते हैं वो, मोड़ा मोड़ी अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, अच्छे हैं। आपका कहा मानते हैं? कहो ना माने वाले। फोन पे रोज बात होती है हमसे? ये नहीं, हफ्ता भर में, हफ्ता भर में होती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 है भाई साहब। 75 साल? जी। अगर रास्ते में कुछ हो जाए, चलते चलते कोई वीपी शुगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर क्या करोगे? कुछ ना होगा भाई साहब, जो संगे का यहाँ है, जो मदद करती है, मदद करती है, हाँ कुछ नहीं हो सका। माँ पर इतना विश्वास क्यों है? है ही विश्वास, अगर माँ पर विश्वास ना हो तो हम घर से नहीं चलते, इतना विश्वास है। ये आप 3 महीने से चल के आए हो, माँ लेके आई है, उसका साथ है, हाँ। वो ताकत देती है? देती ही है, माँ पर इतना भरोसा है। वापिस पैदल जाओगे, वापिस गाड़ी में जाओगे? गाड़ी से जाएंगे, वापिस गाड़ी से, हाँ। लेकिन वहाँ पैदल जाना है? हाँ पैदल। 3 महीना हो गया जी, जब निकले थे तो गर्मी थी? गर्मी हती अच्छी, हाँ? गर्मी हती। टांगे दुखती नहीं है? जा संगे है तो कहे टांगे दुखे? नहीं दुखेंगे, नहीं बेच लो वहाँ जा रहे। मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं पैसे दूंगा, जो मैंने कहा वो दूंगा आपको अभी, ठीक है? वो क्या करोगे, चाय पियोगे उससे? चाय पियेंगे, आटा ले लेंगे कहीं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है मनसुख लाल। मनसुख लाल जी। मनसुख लाल माता के प्रिय भगत, 3 महीने से एमपी से निकले। कौन सा गांव है एमपी में आपका? मैं सागर है, हा? सागर सिटी है। सागर, हाँ सिटी जी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी। क्या पता ये वीडियो वो भी देखें। दिखा दो। आस्था पर कोई सवाल नहीं, 3 महीने से लगातार चलते आ रहे हैं। हमने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, 1 घंटा लगेगा, नहीं मानते हैं। मनसुख लाल जी को उनकी यात्रा मुबारक हो, 33वें बार जय माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास इनके लिए क्या कहूँ मैं, हम बहुत छोटे हैं, इनके आगे, इनकी आस्था के आगे, इनकी भक्ति के आगे हम तिनका भर भी नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।